जी, तो आज हम बात करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इस न्यूक्लियस पे हम लोग काम कर रहे थे, ये टाइप ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा जो है मेवेपल की कैटेगरी में हम लोग बात करें, या हम लोगों का जो हाफ राउंड है, या हार्ट शेप है, या ड्रॉप शेप हो गया, या हम लोगों का ओवल शेप है, जो मोस्टली मार्केट में चलता है, सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है ये, कि डिज़ाइनर हमारा अलग एक कैटेगरी के हिसाब से चलता है। बाकी इसके अलावा जितने भी मोती है हम लोगों का, वो सबसे ज़्यादा लाइक अगर हम लोग बात करें हार्ट शेप लॉकेट के लिए रहेगा, और ओवल शेप है अंगूठी में सबसे ज़्यादा, अंगूठी के लिए और नेकलेस के लिए, और उसके बाद हम लोग बात करें हाफ राउंड अंगूठी के लिए, बाकी नेकलेस के लिए, कान के बुंदे के लिए, जो हम लोग कान ये जो झुमका वगैरह हम लोग कहें, या जो यूज़ करते हैं, जिसे लोग ज़्यादा गोल्ड में पहनना पसंद करते हैं, या कुछ लोग प्लेटिनम में यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग, हमारे पास जैसे कि दो कैटेगरी हैं, हम लोगों का सीप है जो लाइट गोल्डन हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का मार्जिनालिस, और जो बात करते हैं हम लोग सिल्वर वाइट का, वो हम लोगों का कोरियानस। तो दोनों स्पीसीज के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग ये न्यूक्लियस हम लोगों ने तैयार किया है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और ये प्योरली हम लोग अगर बात करें, ये MOP का बना हुआ है। MOP से मतलब है कुछ नए किसान, या जो स्टार्ट करने वाले हैं, या उनके लिए अगर मैं जानकारी दे दूं कि सेल पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मोटाई, आपको एक गैप दिख रहा होगा यहाँ, हर एक सीप के अंदर क्या होता है, जो ये नेकर छोड़ता है, जो ये मोती की परत छोड़ता रहेगा, चाहे आप उसमें सर्जरी करते हो या नहीं करते हो, तो सेम ये जो नेकर है, ठीक है, ये आपका MOP कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये पीछे का जो सेल है, सेल अकॉर्डिंग बना होता है, जो बचपन से इसे मिला हुआ है बाय बर्थ, जो जैसे कि अंडे का छिलका होता है, सेम इसे जब ये अंडा होता है उस टाइम पे इसे सेल मिलता है, और उसी को ये धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और ये इसका बॉडी पार्ट होता है, और धीरे धीरे इसका बढ़ता रहेगा। बट अगर हम लोग जैसे कि बात करें इसका MOP, तो MOP में क्या है, ये देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हम लोगों ने इसमें क्या किया, ये सेल घिस दिया और खाली MOP रह गया। तो सेम अगर हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट की, तो वो इसमें यूज़ किया है, जैसे आप देखेंगे इसमें ये जो है, यहाँ से ये पूरा जो है अपना, ये देखिए, ये पूरा MOP है। तो हम लोग सेल घिसने के बाद में जो बाकी बचेगा, दैट इज़ MOP, और टोटली MOP मीन्स लेयर ऑफ पर्ल, या मदर ऑफ पर्ल जो होता है, लेयर ऑफ पर्ल होता है। अब हमने इसमें भी दो कैटेगरी निकाला है हमारी, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के लिए, क्योंकि जब भी लैब टेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ क्वालिटी की बात आती है। अब फ्रेश वाटर पर्ल में ये जैसे कि आप देखेंगे चमक, ये देखें, ये जो है इस तरीके का, ये आपका कोरियानस का चमक देखिए। आप सोचिए, मोती जो बिकता है, आपको भी पता है कि चमक पे बिकेगा, ये लीजिए, आपको चमक जो मिलनी चाहिए आपको अलग दिखेगा कि किस तरीके की चमक आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये चमकदार जो पीसेज हैं, ये लीजिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अपना कोरियानस के लिए है, ये अपना मार्जिनालिस के लिए है। हम लोग ये इजीली यूज़ कर सकते हैं, इजीली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है, जो मार्केट में हम लोग पहले MOP वाले यूज़ करते थे, उनके मुकाबले इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और ये पीसीज आपको जो है मार्केट में रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और अकॉर्डिंगली जैसे मैंने कहा, टाइप ऑफ पर्ल की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे डिज़ाइनर के अलग, क्योंकि हम लोगों को डिज़ाइनर के अलावा जो कैटेगरी हैं पर्ल का, उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा उन पर, अगर हम लोगों को मोती की इंडस्ट्री में डील करना है, अच्छे से डील करना है। तो सेम चीज़ें होंगी कि हम लोग जो बात करें टाइप ऑफ पर्ल, या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्ल के लिए, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी किसी भी किसान भाई का कुछ भी, ये देखें, अगर मैं चमक की बात करूं, तो आप किसी भी पीस पे, अगर मैं चमक की बात कर रहा हूं, ये देखें, चमक आपको बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि क्या क्वालिटी है चमक का, और कैसे इसमें आपको क्वालिटी मेंटेन आप कर सकते हैं। तो क्वालिटी के लिए ये, और सबसे बड़ी बात, ये प्योर MOP कहें उससे बना हुआ है, तो जब मोती टेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं, ये 100% प्योर पर्ल रहेगा, तो न्यूक्लेटेड ही, बट 100% रियल पर्ल, या जिसे हम लोग कहते हैं सच्चा मोती। तो यहाँ हम लोग का न्यूक्लियस जो है, वो इवन डिज़ाइनर में तो आपका वही रहेगा कैटेगरी जो हम लोग ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ जो बात कर रहे हैं,
ये अलग कैटेगरी, इसमें जो एमओपी है वाला न्यूक्लियस जो इसमें यूज़ किया जाएगा, लाइक हार्ट शेप जैसे कि है, हार्ट है, ओवल है, ठीक है, और हाफ राउंड है या ड्रोप है, तो ये आपका रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग इजीली बना सकते हैं, और इसका क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और जो लैब टेस्टिंग से भी आपका पास होकर गया आएगा, ठीक है। बाकी किसी किसान भाई को कोई फीडबैक देना है, कोई सलाह देनी है अपनी, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और बाकी जो है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।